अच्छा, ये कितने का बनवाया है? ये बस मिस्त्री फ्री बनाया, उसने कहा अब अपने लूटा बनाने में फ्री बनाता हूँ। ये सारे जा रहे, जरदारी भी चला गया, उसने कहा कि मैं 3 दिन बाद आ रहा हूँ, वो हमेशा के लिए चला गया। बेलावल भट्टू भी जा रहा है, ये सारे जा रहे, ये पाकिस्तान के लिए, इधर पाकिस्तान का जंग नहीं लड़ा, ये बस सिर्फ अपने पेट की जंग लड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लोटा क्यों पकड़ा हुआ है? ये नूर आलम के लिए स्पेशल गिफ्ट लाया है इधर। अब तो सारे लोटे हार गए हैं, चले गए हैं, अब छोड़ दें जान। नहीं, इसको चूड़ना नहीं है, जब तक चूड़ना है जब तक उसने पाकिस्तान छोड़ाना है, पाकिस्तान में उसकी कोई जगह नहीं लूटेगी। तो लोटा तो नहीं लग रहा, चैनिक लग? नहीं, ये लूटा है, हमने ये सोचा कि इसमें सारे आ जाएंगे, इसलिए थोड़ा बड़ा बनाया। और किस लिए आए हैं यहाँ पे? ये इमरान खान के लिए स्पेशल आया है, बनू से। बनू से आया है? कब से निकले हुए वहाँ से? कल शाम से, इधर उधर से निकले। ये 12 घंटे सफर एक तरफ से, 12 घंटे उधर से, 12 घंटे इधर से। अच्छा, क्या लगता है कि उन्होंने जो है कौम में शऊर बेदार किया है, उस हवाले से बताए? इमरान खान ने बहुत शऊर पैदा किया है, इनशाला आने वाला इलेक्शन दो तिहाई से इमरान खान जीतेगा। क्योंकि 100% है, पंजाब से भी अब 100% जीतेगा। एक सिंध रह गया, अगर उधर इमरान खान चला जाए उससे भी इंशाल्लाह जीत सकते हैं। ये मौलाना फजल रहमान के लिए एक मैसेज है, उसने कहा कि मैं ज़मीन इतना गर्म करूँगा, अभी उसके लिए ज़मीन इतना गर्म है कि पाकिस्तान में उसके लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा, ये कितने का बनवाया है? ये बस मिस्त्री फ्री बनाया, उसने कहा अब अपने लूटा बनाने में फ्री बनाता हूँ। वहाँ से बनवा के लाया? अब उधर बनू से बनवा के लाया है। वहाँ पे भी लोटों की इतनी इज्जत है या इससे ज्यादा? उधर तो बिल्कुल 0% है, वो लूटा, वो एक नूर आलम लूटा है, वो आ नहीं सकता की पीके में, उस पर पाबंदी है, वो नहीं आ सकता। इस्लामाबाद में बैठे है सारे चोर, उधर इकट्ठे हुए 24 किलोमीटर पे हुकूमत है। अगर वो इतना अपने आप को अच्छा आदमी समझते है तो फिर उससे कहना चाहिए कि लाहौर में आ जाए, राणा साहब लाहौर को भी चैलेंज है कि आप लाहौर में आ जाए, आपको इधर चैलेंज दिया है। लूटे को बस ये पैगाम है कि आप इस्लामाबाद से थोड़ा निकल जाए, इस्लामाबाद में सारे छुपे हुए हैं, उधर एक जगह में छुपे हुए सारे चोर इकट्ठे हो गए, बाकी उसके लिए कोई जगह नहीं है। इंशाल्लाह जब इमरान खान आएगा उसके लिए इस्लामाबाद की जगह जो है ना, ये सारे जा रहे, जरदारी भी चला गया, उसने कहा कि मैं 3 दिन बाद आ रहा हूँ, हमेशा के लिए चला गया। बेलावल भट्टू भी जा रहा है, ये सारे जा रहे, ये पाकिस्तान के लिए, इधर पाकिस्तान का जंग नहीं लड़ा, ये बस सिर्फ अपने पेट की जंग लड़ रहा है, ये इधर पाकिस्तान का हमदर्द नहीं हो सकता। हाँ, ये सिर्फ अपने बेबी बच्चों के लिए लगे हैं, पाकिस्तान के उसकी कोई इज्जत नहीं है। केपीके में इतना ड्रोन हो रहे थे, 360 ड्रोन हुआ है, 80,000 जाने चले गए हमारा केपीके के लोग, हमने खुद भी जनाजे उठाए। अभी माशाल्लाह इमरान खान के 3 साल में न उधर ड्रोन हुआ है, अभी जब से ये स्वात में अभी हालात ख़राब हो रहा है, वजीरिस्तान में ख़राब हो रहा है, इधर लाहौर में जब इमरान खान का हुकूमत था 3 साल तक लाइट नहीं गया, अभी हम इधर कारोबार कर रहे हैं लाहौर में, बिजली नहीं मिल रहा, बिजली नहीं है इसकी हुकूमत में। इमरान खान ने बिजली नहीं है, महंगाई और ये सारी चीज़ों पे अब कंट्रोल करेंगे, जब 2-3 साल वो रहे हैं तो अभी तो बड़ी महंगाई हुई थी। इंशाल्लाह महंगाई कंट्रोल करेगा इमरान खान, अब करेंगे कंट्रोल। हाँ इंशाल्लाह, जब ये आएगा दो तिहाई से, जब उसके पास सारे असलाहत अपने पास हो, फिर इंशाल्लाह महंगाई कंट्रोल करेंगे।